This conference will now be recorded. तो गाइस कल हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी, एक्चुअली में थ्री पार्ट्स हमने पढ़े थे कि विलेंस क्या है, ट्रंकिंग एंड एग फोर्स। एक्चुअली में तो दो ही पार्ट पढ़े थे, विलेन एंड ट्रंकिंग। तो विलेन के अंदर मैंने बताया था कि विलेन इज अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ पोर्ट्स। कलेक्शन ऑफ पोर्ट्स का मतलब है कि लाइक आपके पास स्विचेज है, दिस इज द वन स्विच इज अवेलेबल। या मैं कहता हूँ आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि वी आर क्रिएटिंग द वन इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी कहती है यार दिस इज माई इंफ्रास्ट्रक्चर और मेरी कंपनी के मल्टीपल ब्रांचेज इज अवेलेबल। मेरी कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेज अवेलेबल है। वो कहता है कि लाइक का कि मेरे पास यहाँ पर ही समवन कॉल की लाइक का नीड फॉर द 50 कंप्यूटर्स इन एचआर एंड 50 कंप्यूटर्स इन सेल्स एंड 50 कंप्यूटर्स इन अकाउंट एंड 50 कंप्यूटर्स इन मार्केटिंग। तो कंपनी कहती है मेरी स्टेप्स का एक डिपार्टमेंट है और मैं इनको इस स्टेप्स के मैं डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि कोई किसी के साथ कम्युनिकेट ना करे। एंड इस सिनेरियो में मेरी कंपनी ने क्या करा है कि एक नेटवर्क बाय करा है, लाइक द माय कंपनी नेम इज आईसीसीपी इंफोटेक एंड द बाय द नेम ऑफ आईपी रेंज इज 192.168.1.0/24। बट गाइस तो मेरी कंपनी ने क्या करा है कि मेरी कंपनी है, दिस इज अ ब्रांचेस, मेरी कंपनी की ये ब्रांचेस अवेलेबल्स है। एंड अब मुझे इस टाइप का नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मेरा एक डिपार्टमेंट एचआर है, वहां पे मुझे 50 कंप्यूटर्स की नीड है। एक मेरा डिपार्टमेंट सेल्स है, वहां पे 50 कंप्यूटर्स की नीड है। एक डिपार्टमेंट अकाउंट्स है, वहां पे 50 कंप्यूटर्स की नीड है। और एक डिपार्टमेंट मेरा मार्केटिंग है, वहां पर भी 50 कंप्यूटर्स की नीड है। दैट मीन्स कि इस सिनेरियो में मुझे क्या करना पड़ेगा, वी आर क्रिएटिंग फोर वीलैंस। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपने स्विच पे जाऊंगा एंड स्विच पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वीलैन टू देन दिस इज वीलैन टू नेम एचआर देन VLAN 3 name sales and VLAN 4 name accounts and VLAN 4 5 his name is marketing. Then end, then WR, and with the help of show VLAN and show VLAN से आप उसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे अपने डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या करा है, अपने डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर। Is it clear, guys? First point. Everyone, hello guys, is it clear the first point? Yes sir. अब second requirements आ जाए। Yes sir. अब मैं यहाँ पे ये तो example है, but like guys suppose करो थी my port की मैं चाहता हूँ कि मेरा एक switch है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि port number 1 से लेकर 5 तक एक switch है, single ही switch पे भी हम काम कर रहे हैं, फिर बाद में action करेंगे। वन से ले तो मैं कहता हूँ लाइक का सिक्स से लेके टेन तक एंड टेन से लेकर इलेवन से लेकर फिफ्टीन इलेवन टू फिफ्टीन एंड सिक्सटीन टू ट्वेंटी पोर्ट्स। मैं चाहता हूँ कि ये पोर्ट्स इस तरीके से हो,
ये नया माइक खरीद लो। तो गाइस यहाँ पर है अब हाउ टू ऐड पोर्ट। लाइक मेरा स्विच है, दिस इज माय वन स्विच एंड द स्विच इज अवेलेबल इन 24 पोर्ट। तो गाइस मेरा जो स्विच है वो 24 पोर्ट का है सपोज करिए, एंड लाइक दिस इज द कॉल्ड 24 पोर्ट। वन टू 24 पोर्ट्स का मेरा स्विच है गाइस, और मैं अपने पोर्ट्स के इन पोर्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि वन से लेके फाइव तक के जो पोर्ट्स हैं वो मेरे एचआर डिपार्टमेंट के अंदर हो। सो सबसे पहले आप वीलैन क्रिएट करोगे और देन उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड पोर्ट्स। ऐड स्विच इंटरफेस इन वीलैन। तो कैसे आपको वीलैन से इंटरफेस करना है, तो सिंपल सा है, कॉन्फिग मोड में आपको आना ही आना है। लाइक CONFIG कॉन्फिग हैश, कॉन्फिग मोड में आने ही आना है। उसके बाद INT, और मैं अगर एक से ज्यादा पोर्ट्स को ऐड कराना चाहता हूँ तो RANGE रेंज और F80/1-5 एंड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। स्विच पोर्ट एक्सेस और वीलैन नंबर 2, यानी कि मैंने इस वाले पोर्ट्स को किस वाले वीलैन में ऐड करा देगा, इस वीलैन नंबर 2 के अंदर। So then VLAN number 2, then exit, then INT range 6 to 10, the VLAN number 3, sir 510 ho gaya, koi nahi bhai change kar dete hain, no tension, 11 15। अगर आप एग्जिट नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। इज इट क्लियर गाइस एवरीवन, स्पोर्ट्स कैसे ऐड कराने हैं आप लोगों yes, को। सर तो सेकंड नंबर पे आ गया, पोर्ट्स ऐड करा दिया। इसी तरीके से अगर 50 नीड है तो 50 पोर्ट्स आप ऐड कराओ। वीलैन 25 हो गया जो कि मेरा 5 होना था। अब आते हैं गाइस कि आईपी कैसे होगा। सो लाइक मेरी कंपनी के पास तो आईपी यही है, मेरी कंपनी ने कितने आईपी बाइस करे हुए हैं गाइस, 255 प्लस 24 का मतलब क्या है एवरीवन, हाउ मेनी आईपीस इन लैंड नेटवर्क, 256 आईपीस। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबनेटिंग करूंगा, और जब मैं सबनेटिंग करूंगा तो मैं ले लेता हूँ कि मेरा जो एचआर डिपार्टमेंट का नेटवर्क है वो 192.168.1.0/26, सेल्स नेटवर्क का जो डिपार्टमेंट है 192.168.1.164/26 एंड एचआर डिपार्टमेंट का जो है 192.168.1.128/26 एंड वन नाइन्टी टू डॉट वन सिक्सटी एट वन डॉट 192/26। तो गाइस यही मैंने यहाँ पे क्या करा कि मैंने सबनेटिंग कर दिया, यानी कि ये स्लैश 26 को मैंने फोर पार्ट्स में डाल दिया। और फोर पार्ट्स का मतलब है कि ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट मैंने कितने आईपी एलोकेट कर दिया, एवरी वन 64 आईपी मैंने एलोकेट कर दिया। गॉट इट दिस पॉइंट, कैसे आया है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।
एवरीवन, किसी को अगर कोई भी हाँ डाउट सर, है तो वो इट्स पूछ क्लियर। सकता है। प्रेरणा, सौरभ, शुभी, स्वीटी, उर्जू आलम, विकास, यतिंदर, चलिए। नो सर, नो सर। ओके गाइस, अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि हमने विलेंस कर दिया, ये कर दिया और आईपी भी एलोकेट कर दिया। तो चलिए पहले हम इस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो आई एम जस्ट क्लिक एंड तो गाइज, मैं 20-20 सिस्टम्स ना लगा के मैं यहाँ पर जो दो दो सिस्टम्स ही लगाऊंगा, ठीक है। सो आई एम यूजिंग द वन स्विच। So port number 1 and port number 2, port number 6 and port number 7. जब भी आप स्विचिंग का नेटवर्क करेंगे ना, तो आपको डायग्राम्स के अकॉर्डिंग ही अपना पूरा बनाना पड़ेगा। पोर्ट नंबर 11 एंड 12, एंड 16, 17। Then my company use the IP like this is my VLAN 2 और जिसका guys name जो हमने दिया है this is called HR और यहाँ पे जो मेरा IP use हो रहा है is it 192.168.1.0/24 sorry 26। 26 का मतलब है कि guys मेरी जो network IP हो गई इसकी वो मेरी बन गई 192.168.1.0 और उसके बाद जो मेरे वैलिड आईपी हो गए वो वैलिड आईपी मेरे हो गए 192.168.1.1 से लेकर 62 तक और जो मेरा ब्रॉडकास्ट आईपी बनेगा इसका वो मेरा हो गया यहाँ पर 192.168.1.63। Got it, everyone? Hello, everyone. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Team, this is my second VLAN. So, guys, this is my VLAN number 3. जिसको हम बनाएंगे अभी, जिसका नाम guys हमने दिया है sales. और इसके अंदर जो हमने आईपी दिया 192.168.1.64/26, 26 का मतलब है कि मेरी जो इसकी नेटवर्क आईपी हो गया गाइस वो हो गया 192.168.1.64/26 एंड 64/ और मेरा वैलिड आईपी, तो वैलिड आईपी जो गाइस मेरे हो गए वो हो गए मेरे 65 से लेकर 126 तक और जो इसका मेरा ब्रॉडकास्ट होगा गाइस वो आईपी हो जाएगा मेरा 192.168.1.127। क्लियर सेकंड?
गाइस किसी को कहीं भी डाउट है तो पूछ ले. व्हील है नंबर 4, द नेम इज अकाउंट. ये सब टैगिंग कर रहा हूं मैं गाइस, एंड क्योंकि आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर समझना है ना तो प्रॉपर कंप्लीट डिटेल्स में आपके पास होना चाहिए. सो 192.168.1.128/26, द नेटवर्क आईपी इज 192.168.1.128, एंड वैलिड आईपी. तो गाइस वैलिड आईपी जो हो जाएंगे इज इट 129 to 190 तक, एंड ब्रॉडकास्ट. तो ब्रॉडकास्ट आईपी जो होगा 192.168.1.191, एंड नेक्स्ट नेटवर्क इज VLAN 4, VLAN 5, द नेम इज मार्केटिंग, एंड नेम अगर इसका मार्केटिंग आ रहा है सो दैट मीन्स द नेटवर्क आईडी 192.168.1.192/26, एंड नेटवर्क आईपी इज 192.168.1.192, एंड वैलिड आईपी का मतलब है जो आईपी हम यूज कर सकते हैं. तो 193 से लेके 224 तक के आईपी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, एंड ब्रॉडकास्ट आईपी 192.168.1.255. Is it clear, guys? This is called subnetting, और इसी को हम बोलते हैं VLSM भी आप बोल सकते हैं. मैंने एक ही नेटवर्क को अपने चार डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो हमें पता लग गया कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन से आईपी यूज होंगे, गाइज. इज इट क्लियर? हेलो. अब इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आईपी भी दे रहा हूँ कि लाइक मैं यहाँ पे आईपी दे रहा हूँ 1.2, 1.3, एंड यहाँ पर मैं आईपी दे देता हूँ लाइक 1.30 नहीं आएगा. यहाँ पे आ देता हूँ लाइक 1.64/66 दे देता हूँ गाइस, एंड 67. तो ये छोटी छोटी चीज जो नेटवर्क के अंदर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेंगी. 1.30 and 1.31. तो आप कोई भी आईपी दे सकते हो बिटवीन, जो भी आपके वैलिड आईपीज है ना 129 टू 190 के बीच में, आप कोई भी आईपी दे सकते हो. एनी चॉइस, चॉइस इज योर, बट मैं अपने अकॉर्डिंग दे रहा हूँ 193.4 दे देता हूँ. क्योंकि मैं 93 से लेके 254 मेरे वैलिड आईपी हैं, सो जो मर्जी मैं आईपी दे सकता हूँ 192.168, सॉरी मैं यहाँ पे 192.195. क्लियर गाइस? अब एक चीज ध्यान रखना कि मैं इन सिस्टम्स का गेटवे भी बनाऊंगा. सो गाइस, जो मैं गेटवे एड्रेस बनाना चाहता हूँ, जो मैं गेटवे एड्रेस बनाऊंगा वो गेटवे एड्रेस मेरा कौन सा होगा? 192.168.1.1/26. तो यहाँ पर जो मैं गाइस गेटवे बना रहा हूँ वो मैं किस वाले आईपी को बना रहा हूँ? इस वाले आईपी को मैं गेटवे बना रहा हूँ गाइस. तो ये जो गेटवे है ये इन दोनों सिस्टम्स का गेटवे आईपी बनेगा, बट अभी मैं यूज नहीं कर रहा. और ये गेटवे आईपी भी वैलिड में से ही आप देख सकते हो. दिस गेटवे आईपी इज आल्सो अवेलेबल इन वैलिड आईपी रेंज. नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट में से नहीं लिए मैंने. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. यहाँ का जो गेटवे आईपी एड्रेस बना रहा हूँ मैं बनाता हूँ 192.168.1.65 को गाइस मैं गेटवे बना रहा हूँ. यहाँ पर सिर्फ अभी मेंशन कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन कहीं नहीं करी है मैंने. एंड हियर इज 192.168.1.129 को गेटवे बना देता हूँ गाइस.
तो ये हर वीलैन का अपना एक डेडिकेटेड गेटवे है एंड और इसको बनाता हूं 192.168.1.3.9193 और गाइस ये मैंने हर वीलैन का गेटवे भी डिफाइन कर दिया। तो अब आपको पता लग गया होगा कि कौन से आईपीएम सिस्टम में यूज कर रहे हैं, कौन सा गेटवे और मैक्सिमम कितने सिस्टम हम इसमें लगा सकते हैं। आई थिंक सो ये सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। किसी का कोई क्वेश्चन तो गाइस वो पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जस्ट वी हैव स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं ये कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन स्विच एंड क्लिक ऑन CLI इनेबल CONF कॉन्फ़िग टी। यहाँ पर मैं आया लाइक का VLAN टू NAME नेम HR एंड INTRANGE रेंज FA0/1-5 and SWITCSWITCHPORT port switch port mode access and switch port access VLAN or VLAN number 2। यानी कि जो मैंने VLANs बताए थे HR VLAN मैंने बनाया और उसके अंदर मैंने ये पोर्ट नंबर 1 से लेके 5 तक के पोर्ट्स उसमें ऐड ऑन कर दिए। सेम एज आई एम क्रिएटिंग द अनदर VLAN लाइक द VLAN नेम इज लाइक अ सेल्स VLAN सेल्स। अब मैं एक VLAN सेल्स एग्जिट एंड VLAN बना रहा हूं सेल्स। उसके बाद व्हाट हैपन सॉरी नाम नहीं आएगा यहां पर VLAN 3 नेम सेल्स एंड VLAN 4 सर अगर VLAN का नेम गलत हो जाता है तो सर रीनेम कैसे करेंगे? दोबारा से सेम कमांड VLAN नेम अकाउंट दोबारा से सेम कमांड चला दो, नो करके हटा के नया नाम दे दो और VLAN 3 VLAN 4 एंड VLAN 5 नेम्ड मार्केटिंग। सो या तो आप एक एक VLAN बना के एक एक पोर्ट ऐड करते जाइए या आप बाद में VLAN बना के पोर्ट्स को सीक्वेंस में ऐड कर दीजिए जैसे मैं अभी कर रहा हूँ लाइक INTRANGE range FA0/6-10 switch port mode access and switch port access VLAN और VLAN number 3 के अंदर हम इसको add on कर देते हैं। उसके बाद हमारा एक और VLAN है यहाँ पर लाइक port number लाइक 11-2-15 और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN नंबर 4 ये भी ऐड कर दिया और एक और मेरा है लाइक पोर्ट नंबर 16-20 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN नंबर 5 और देन एंड एंड देन WR एंड WR करने के बाद गाइस यू कैन सी शो VLAN। तो गाइस आप देखिए कि जो जो पोर्ट्स मैंने जिस तरीके से ऐड ऑन कराए हैं वो उसी तरीके से मेरे VLANs के अंदर यहाँ पर आते हैं। तो HR के अंदर 1 से लेके 5 पोर्ट्स आ गए, सेल्स के अंदर 6-10 पोर्ट्स आ गए, अकाउंट्स के अंदर 11-15 पोर्ट्स एंड मार्केटिंग के अंदर 16-20 पोर्ट्स। बाकी जो रिमेनिंग पोर्ट्स हैं 11-24 ये सारे पोर्ट्स मेरे कहाँ पे पड़े हुए हैं बाई डिफॉल्ट VLAN 1 के अंदर पड़े। इज इट क्लियर एवरीवन? एनी क्वेश्चन किसी का? नो सर। अब आता है कि चलिए सर अब हम क्योंकि देखिए डिफरेंट VLANs हैं और डिफरेंट सबनेटिंग हो गए तो देयर इज नो कम्युनिकेशन।
तो सेम वीलेंस के सिस्टम से कम्युनिकेट करेंगे सर. पुट द आईपी वन बाय वन एंड आई प्रोवाइड द एवरी सिस्टम पर्टिकुलर आईपी डेस्कटॉप एंड पुट द आईपी. आप जो भी दे सकते हो 1.3 दे दिया. सो देखिए गाइस ये दोनों को मैंने IPs allocate करें, so both are working same VLAN and same port, same range of IP, so ये दोनों communication कर. Same है, I'm just click on here, desktop. और यहाँ पे मेरी एक mistake हुई है guys, कोई बताएगा क्या mistake करी है मैंने पीछे? Anyone? कोई बताएगा क्या mistake करी है मैंने? आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी. तो ये दोनों सिस्टम से कम्युनिकेट करने लग गए. देन स्टार्ट 192.168.1.130. तो फ्लैश 26 का सबनेट है गाइस. ये सही तो है यार. क्या गलत हो गया कपिल कहां पर? तुम्हारी स्क्रीन मेरे ट्रेनिंग से ही कनेक्ट है, दूसरे से कनेक्ट है जो आपकी स्क्रीन पे. तो गाइस देखिए यहाँ पर ये आईपी डाल दिया. अब यहाँ पर होगा क्या कि ये जो सेम वीलैंस के और सेम नेटवर्क के आईपी है ना, वो तो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट डिफरेंट वीलैंस के आईपी को अगर मैं कम्युनिकेट कराता हूँ तो वो मेरा कम्युनिकेशन नहीं होगा, जो कि मैंने आपको कल बताया था. क्यों नहीं होगा? क्यों? बिकॉज द एवरी डिपार्टमेंट इज अ लॉजिकल बाउंड्री. हमने एक लॉजिकल बाउंड्री दे दिया सबनेट्स की भी और ग्रुपिंग की भी, इसलिए मेरा कम्युनिकेशन यहां पर नहीं हो रहा है. अब
मेरा सिनेरियो है, अब नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ कि व्हेन यू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट वीलन, यानी कि अब मेरी कंपनी कहती है मेरी कंपनी कहती है कि आप लोगों को क्या करना है, यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड द कॉम, अगर कोई कहता है कि आप चाहते हो कि आप कम्युनिकेशन कराना चाहते हो इन वीलन से इन वीलन के बीच में, तो गाइस उसके लिए आपको इनेबल करनी पड़ेगी इंटर वीलन राउटिंग, और इंटर वीलन राउटिंग ऑलवेज इनेबल होती है आपकी लेयर थ्री डिवाइस पे, यानी कि राउटिंग कोई भी यूज होती है वो आपकी लेयर थ्री डिवाइस पे होती है, यानी कि अब मैं क्या करूंगा अपने पर्टिकुलर स्विच के साथ क्या कनेक्ट करूंगा, राउटर भी कनेक्ट करूंगा, और मैं जिस भी पोर्ट के साथ राउटर कनेक्ट करूंगा वो पोर्ट को मुझे ट्रंकिंग पोर्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं ट्रंकिंग पोर्ट नहीं बनाऊंगा तो मेरे वीलैन की इंफॉर्मेशन वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस नहीं जाएगी, और देन मैं यहां पर कॉन्फिगर करूंगा इंटर वीलैन राउटिंग। सो आई एम जस्ट गोइंग डायग्राम, और मैं इस डायग्राम में क्या करता हूं, आई एम एडिंग द वन स्विच सॉरी वन राउटर, मैंने यहाँ पे एक ये राउटर ऐड करा, एंड ये सारे तो मेरे ऑलरेडी वीलैन में यूज हो रहे हैं पोर्ट, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ पोर्ट नंबर 21, पोर्ट नंबर 21 को मैंने कनेक्ट कर दिया इसके साथ, और मैं अब आता हूँ स्विच पर, और स्विच पे आके मैं इनेबल करता हूँ ट्रंकिंग, सो CONF config t int fa0/fa0/ और पोर्ट नंबर कौन सा हमारा गाइस 21, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, बट गाइस देखिए मैंने ट्रंकिंग तो इनेबल कर दी, लेकिन अगर मैं शो इंटरफेस ट्रंक करूंगा तब भी ये मेरे को कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं दिखाएगा, क्यों, क्योंकि मेरा जो ये लिंक है ना ये डाउन है, यानी कि इस वाले पोर्ट को मैंने क्या बना दिया, टीपी का मतलब है ट्रंकिंग पोर्ट बना दिया। अब मैं यहाँ पे करता हूं इंटर वीलैन राउटिंग, तो इंटर वीलैन राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है गाइस, अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि मेरा ये स्विच है, इस स्विच के साथ मैंने चार वीलैन बनाए हैं और चारों वीलैन के अंदर मैंने कंप्यूटर्स लगाए, यस और नो, गाइस यही कर रहे हैं, एवरीवन, बट अब मैंने क्या करा है, इस स्विच के साथ राउटर भी कनेक्ट कर दिया है, आई एम कनेक्ट द राउटर फॉर दिस पर्टिकुलर स्विच जो कि पोर्ट नंबर 24 पर। तो गाइस राउटर पे कौन से आईपी, जो आपके इन सिस्टम्स के गेटवे बनेंगे ना वो आईपीज आपके राउटर पे मेंशन होंगे। अभी तक आप क्या कर रहे थे, अगर आप लोगों को पता हो कि हमारे राउटर पे कितने इंटरफेस है, यहां पर एक ही इंटरफेस है, दिस इंटरफेस कॉल्ड अ 5A0/0, यस और नो गाइस, राउटर पे एक ही पोर्ट है 5A0/0, बट मेरे गेटवे कितने हैं, 1, 2, 3 and 4, यानी कि मुझे कितने गेटवे आईपी कॉन्फ़िगर करने हैं, 4 गेटवे आईपी कॉन्फ़िगर करने हैं, बट पोर्ट मेरा एक ही है, गॉट इट भाई, गाइस मैं क्या बताना चाह रहा हूँ प्लीज रिप्लाई यार, कोई तो माइक ऑन करके बोलिए, यस सर, यस सर। तो गाइस यहाँ पर मैं क्या क्रिएट करूंगा, मैं एक ही इंटरफेस पर मल्टीपल आईपी एलोकेट करूंगा, यानी कि ये मेरा राउटर है और इसका जो फास्ट इथरनेट पोर्ट है, सपोज करो दिस इज अ फास्ट इथरनेट पोर्ट, मैं इसी पर ही सारे के सारे गेटवे एड्रेसेस मेंशन करूंगा, लाइक 192.168.1/26, 192.168.1.25/26 and 192.168.1.29/26 and 192.168.1.193/26, यानी कि मैं अपने चारों वीलैन, यानी कि ये मेरे कौन से वीलैन का है, वीलैन 2 का है, ये मेरे
VLAN 3 का है, ये मेरा गेटवे VLAN 4 का है और ये मेरे VLAN 5 का है। यानी कि मैं यहां पर राउटर पे क्या करने वाला हूं गाइस, मैं राउटर पे सब इंटरफेसेस क्रिएट करूं, क्या क्रिएट करूंगा, सब इंटरफेस। जिस तरीके से आप अपने सिस्टम पर भी मल्टीपल आईपी दे सकते हैं, देखिए अगर आप अपने लैन कार्ड पर भी मल्टीपल आईपी अगर एलोकेट करना चाहते हो अपने लैपटॉप पे, तो आप मल्टीपल आईपी दे सकते हो। लाइक आपको अपने लैन पोर्ट पे जाइए, प्रॉपर्टी में जाइए, टीसीपी आईपी 4 सेलेक्ट करिए और कह दीजिए एडवांस में जाके आप मल्टीपल आईपी यहां पर एड ऑन कर सकते हैं अपने सिस्टम को। इसी तरीके से मैं एक इंटरफेस पर मल्टीपल आईपी एलोकेट कर सकता हूं। अभी तक आपने जो भी राउटिंग में करा था वो आपने क्या करा था, एक पोर्ट पर एक ही आईपी अभी तक दिया था, यस और नो? यस सर। बट अब मैं एक ही इंटरफेस में मल्टीपल आईपी दूंगा, यानी कि अब मैं यहां पे इनेबल क्या करूंगा, इंटर डोमेन राउटिंग। सो व्हेन यू इनेबल, व्हेन यू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन, सो इंटर डोमेन राउटिंग हम क्यों कर रहे हैं कि व्हेन यू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन, बिटवीन VLAN, enable inter VLAN routing in layer 3 device such as switch, वो layer 3 switch भी आपका हो सकता है या आपका router भी हो सकता है। बट हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज करा है, आई एम यूजिंग द राउटर, मैंने यहाँ पे राउटर यूज करा है। सो अगर आपको इंटर VLAN राउटिंग इनेबल करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई एम जस्ट क्लिक ऑन नोटपैड और इंटर VLAN की कमांड्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ राउटर्स की। तो इंटर VLAN लेयर 3 डिवाइस पे होती है, तो लेयर 3 राउटर हमारा जो है नेटवर्क लेयर डिवाइस है। तो इनेबल देन CONFIG config 3 सॉरी config T एंड यहाँ पे मैं गाइस आता हूँ INTFA0/0, ये जो पोर्ट है ये मेरा फिजिकल पोर्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नो शट करके मैंने इस लिंक को अप कर दिया, नो आईपी एड्रेस, और इस पे अगर कोई आईपी एड्रेस भी है मैंने कोई आईपी नहीं दिया। उसके बाद मैं क्या कमांड चलाऊंगा, INTFA0/0.1, यानी कि आई एम क्रिएटिंग द वन सब इंटरफेसेस। तो 0.1 मैंने एक सब इंटरफेसेस क्रिएट करा। उसके बाद मैं ट्रंकिंग टाइप भी चलाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे सब इंटरफेस मैंने स्विच के लिए करा है, तो ENCAPSU इनकैप्सुलेशन, और ट्रंकिंग टाइप मेरी कौन सी है, DOT.1Q। तो गाइस ये ट्रंकिंग टाइप कौन सी हो गई मेरी, ओपन स्टैंडर्ड, कल ही मैंने बताया था। तो यहाँ पर जो मैं ट्रंकिंग टाइप यूज कर रहा हूँ इनकैप्सुलेशन .1Q और किस VLAN के लिए कर रहा हूँ, VLAN नंबर 2, यानी कि यहाँ पर जो पोर्ट FA0/0.1 जो पोर्ट मैं डिफाइन कर रहा हूँ वो VLAN नंबर 2 के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, और उस पर जो मैंने ट्रंकिंग टाइप चलाई है वो ट्रंकिंग टाइप चलाई है .1Q जो कि स्टैंडर्ड ट्रंकिंग टाइप है। जो यानी कि मैंने कल आपको बताया था देयर आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रंकिंग, वन इज ISL एंड अनदर इज IEEE.802.1Q। सो दिस इज अ .1Q ट्रंकिंग टाइप। देन आईपी एड्रेस, और अब मैं यहां पर गेटवे डिफाइन करूंगा VLAN 2 का, सो 192.168.1.1 255.255.255.192, then no shut, then exit exit। यानी कि मैंने अपना पहला ट्रंकिंग टाइप यहाँ पे डिफाइन करा, उसको आईपी दिया, अब मैं सेकंड। तो गाइस देखिए आपकी ये वाली कमांड जब तक नहीं चलेंगी जब तक आप ये इनकैप्सुलेशन कमांड नहीं चलाएंगे। तो अगर आप सब इंटरफेस क्रिएट करते हो तो आपको ये इनकैप्सुलेशन और प्रोटोकॉल टाइप देना पड़ेगा, तभी आपकी नेक्स्ट कमांड चलेंगी, अदरवाइज ये कमांड्स आपकी नहीं चलेंगी। देन कंट्रोल वी, इस बार मैं आ जाता हूँ FA0/0.2। सो अगर आपके पास 4096 VLANs हैं तो आप 4000 सब इंटरफेसेस राउटर पे क्रिएट कर सकते हो। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? हेलो यस सर। तो यहाँ पर मेरे पास चार VLANs हैं, तो चारों VLANs के मैंने गेटवे डिफाइन कर दिए यहाँ पर।
129 193 और देन VLAN नंबर 5 VLAN नंबर 4 और VLAN नंबर 3 सर। हाँ जी सर, जो आप इंटरफेस FA0/0 पे आईपी एंड आईपी एड्रेस लिखे वो नो आईपी एड्रेस है? हाँ नो आईपी एड्रेस है, मतलब कि कोई आईपी हम नहीं दे रहे, फिजिकल इंटरफेस में हम कोई आईपी नहीं दे रहे, हम सब इंटरफेस पे आईपी दे रहे। सो मैंने यहाँ पे चार सब इंटरफेस करे हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। 0.1 को मैंने VLAN नंबर 2 के लिए यूज करा और उसका गेटवे डिफाइन कर दिया, 0 नंबर 3 के लिए करा उसका गेटवे डिफाइन कर दिया, एंड आई एम जस्ट कॉपी दिस कमांड अब कह दी कि यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो कि जब मैंने यहाँ पे कमांड चलाई थी शो इंटरफेस ट्रंक, तो यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिखा रहा था। क्यों नहीं दिखा रहा था? दूसरा कि ये अगर मैं एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करा रहा हूँ डिफरेंट VLAN में, तो भी मेरा किसी टाइप का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, बट सेम VLAN के अंदर मेरा क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। बट अगर आप डिफरेंट को कराना चाहते हो तो मैंने राउटर लगाया CLI नो और राउटर की कॉन्फ़िगरेशन मैंने। सो गाइस कमांड्स पे हम चेक कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं दिया हमारी कमांड्स में, तो परफेक्ट कमांड चली है, देयर इज नो सिंगल एरर। एंड अब देखिए गाइस मेरा लिंक क्या हो गया है, अप हो चुके हैं सारे, और अब देख जैसे मैं यहां पर आपका कमांड चलाऊंगा शो इंटरफेस, शो इंटरफेस ट्रंक, तो अब ये मेरे को ट्रंकिंग दिखा देगा। और गाइस देखिए यहाँ पे एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ पे मैं माउस रख रहा हूं, तो देखिए यहाँ पर वो बता रहा है कि पोर्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इज VLAN 2, पोर्ट नंबर 6, 7, 8, 9, 10 इज VLAN नंबर 3, 11, 12, 13, 14, 15 इज 4 एंड 16 to 20 इज 5, और बाकी जो पोर्ट ट्रंकिंग पोर्ट मैंने बनाया है वो पोर्ट भी मेरा अप है, बट उस पोर्ट के आगे कोई VLAN नंबर नहीं आ रहा है। गॉट इट गाइस, दिख रहा है पोर्ट नंबर 21 इस लिस्ट में देखिए, और बाकी के पोर्ट सारे मेरे डाउन है क्योंकि वो मेरे एक्टिव मोड में है ही नहीं, क्योंकि वो किसी वो बाय डिफॉल्ट VLAN 1 में ही पड़े हुए हैं। इज इट क्लियर गाइस? यस सर, अभी तक जो चीज बताई है क्लियर है सभी की? हां जी सर। एंड क्लिक एंड अब मैं यहाँ पे देखता हूँ शो इंटरफेस ट्रंक, तो देखिए यहाँ पर इसने इंफॉर्मेशन बता दी कि टोटल दीज VLAN हमारी बनी हुई है 802.1Q है, इनकैप्सुलेशन ट्रंकिंग टाइप है, नेटिव VLAN बाय डिफॉल्ट 1 है, VTP वर्जन 2 है हमारा, इसलिए मैक्सिमम 1005 VLAN बना सकते हैं। तो आप वहाँ पे FA0/1005 तक के सब इंटरफेसेस आप राउटर्स पे क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन गाइस अब ये देखिए कि अगर आपका गेटवे यानी कि अब अगर आपको एक VLAN से दूसरे VLAN में भी कम्युनिकेट करना है ना, तो गेटवे आईपी होना जरूरी है। अगर आपका गेटवे आईपी नहीं हुआ तो आप एक VLAN से दूसरे VLAN के अंदर भी कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो यू कैन सी कि अगर गाइस मैं यहाँ से इस सिस्टम से गेटवे का आईपी रिमूव कर दू, मैंने यहाँ से गेटवे रिमूव कर दिया और मैं इस सिस्टम से भी क्या कर देता हूं, गेटवे रिमूव कर देता हूं। अब देखिए मैं अगर इन पर पैकेट भेजता हूं, फेल्ड बता रहा है, बट जबकि मैं सेम पे भेजूंगा तो कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि लैंड नेटवर्क के लिए आपको कभी भी गेटवे की जरूरत नहीं पड़ती, तो लैंड में तो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट मैंने इन दो सिस्टम्स को गेटवे नहीं दिए तो ये दो सिस्टम्स कम्युनिकेट नहीं करे। बट अगर गाइस देखिए मैं अगर इस सिस्टम पे गेटवे है और इस सिस्टम पर भी गेटवे है, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट अभी कर जाएंगे। अभी मैं दोबारा पैकेट भेजता हूं, गॉट इट? यहां पर भी क्या है, गेटवे अवेलेबल है,
हो गया कम्युनिकेशन, बट इन दोनों सिस्टम्स के बीच में नहीं हो रहा है। रीजन, क्योंकि मैंने इनको एग्जिट पॉइंट तो दिया ही नहीं कि एक विलेन से दूसरे विलेन पे जाना है तो आपको कहां पे जाना है, क्योंकि एक विलेन से दूसरे विलेन पे कौन भेजेगा, राउटर भेजेगा ना। तो मैंने क्या इनको राउटर की इंफॉर्मेशन दी है गाइस? मैंने राउटर का आईपी दिया इनको? नहीं दिया ना। तो अब मैं इसको बता रहा हूं कि अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो मैंने अब आपको बाहर जाने का रास्ता दे दिया है कि आप इस वाले आईपी के थ्रू बाहर जा सकते हैं, और मैंने वाला इस सिस्टम को भी दे दिया कि आपको अगर एग्जिट पॉइंट चाहिए तो मैंने आपको एग्जिट पॉइंट दे दिया है आपके वीलैन से बाहर जाने का 192.168.1.65। और गाइस अब देखिए, अब मैं अगर पैकेट भेजता हूं इन दोनों सिस्टम पर तो भी आपका पैकेट चला जाए। Got it? Is it clear, everyone? Yes, sir. अब one more thing, कि देखिए यहाँ पर मैं एक और कमांड चलाता हूँ गाइस। TRACERT and 192.168.1.3। So guys, ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम सेम ही VLAN में है। 1.2 पर मैं हूँ और 1.3 चला रहा हूँ। Yes or no? So, देखिए आपका एक ही ओप काउंट आया, उस केस में आपका पैकेट राउटर पे नहीं गया। लेकिन अगर मैं यहीं पर ही यहां पर आईपी दे देता हूं लाइक का 66, तो इस केस में देखिए पैकेट आपका पहले कहां पे गया है? गेटवे पे गया है। पहले पैकेट कहां पे गया है? राउटर पे भेज दिया ना इसने। सेम वीलैन में मैं करा रहा हूं तो डायरेक्ट आ गया। लाइक अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक का पैकेट मैं यहाँ पे भेजता हूँ 66 की जगह मैं यहाँ पे करता हूँ 195। तो देखिए राउटर, पहले पैकेट इसने कहां पर भेजा है? राउटर पे भेजा है, और उसके बाद उसने उस पर्टिकुलर सिस्टम पे भेजा है। तो गॉट इट द कॉन्सेप्ट गेटवे का? लेकिन अगर मैं सेम लोकेशन पर ही कराता हूँ तो सेम लोकेशन पे पैकेट आपका राउटर पे नहीं जाएगा। विद इन वीलैन आपका वी डोंट रिक्वायर्ड फॉर द गेटवे। अगर आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग से फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं तो आपको गेटवे की जरूरत नहीं है, आपको अपने मेन डोर क्रॉस करने की जरूरत नहीं। या फिर मैं कहता हूँ आप अपने घर के अंदर हो, आपको एक बेडरूम से दूसरे बेडरूम में जाना है तो यू डोंट रिक्वायर फॉर द गेटवे। बट अगर आपको एक फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाना है तो दोनों फ्लोर के लिए आपको गेटवे चाहिए। इज इट क्लियर गाइस? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है व्हाई वी हैव इनेबल द इंटर वीलैन राउटिंग? एनी क्वेश्चन किसी का? गाइस इतनी डिटेल से आपको कोई भी नहीं बताएगा, और आप कोई भी यूट्यूब चैनल या व्हाटएवर कोई भी देख रहे ना, आपको इतनी प्रॉपर डिटेल से नहीं मिलेगा। अब मैं इसके अंदर एक और चीज इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ, ये चीज ध्यान रख लेना। अगर आप लोगों को पता हो तो हम लोगों ने राउटिंग पढ़ी थी, यस और नो? यस सर। हाँ जी सर। अब मैं यहाँ पर ये, और यहाँ से मैं अपना एक सिस्टम क्रिएट कर रहा हूँ। भाई डरा मत, आराम से बोल ले। हाँ जी विजेंद्र, तो डरा रहा है। कोई ना सर, डरने को कहाँ जा रहे हो? कोरोना डरा तो कोरोना का डरा रहा। बिल्कुल डरता ही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, आराम से बोल। तो गाइस यहाँ पर मैं अब क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट कनेक्ट दिस टू राउटर। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस राउटर, फिजिकल पावर ऑफ NM4AS and then click power off NM4AS and then click. S1/0 and put the IP here is like 10.0.0.1/32/30 and 10.0.0.2/30 and it is like 172.168.1.1/24 and 172.168.1.2/20. So let's start for the configuration guys. मैं यहाँ पे configuration कर रहा हूँ। तो पहले मैं serial port पे भी IP डाल देता हूँ। तो guys देखिए यहाँ पर, अब मैं यहाँ पे CLI पे आता हूँ, इस राउटर पे इनेबल, और मैं यहाँ पे चलाता हूँ शो आईपी आईएनटी प्री। तो गाइस देखिए चार मैंने आईपी दिए थे फास्ट इथरनेट पोर्ट पे, और चारों आईपी यहाँ पे दिखा रहा है।
गॉट इट गाइस, दिस इज माय सब इंटरफेस, सारे अप है। लेकिन अब मैं यहाँ पे सीरियल पोर्ट पे भी एक आईपी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा वैन कम्युनिकेशन हो, तो मैं दूसरे राउटर से कनेक्ट करने के लिए सीरियल पोर्ट को आईपी दे रहा हूँ, क्योंकि फास्ट इथरनेट क्या है, मेरा लैन है। अगर आप यहाँ पे शो आईपी रूट भी करेंगे तो देखिए आपको सी लिखा आ रहा है, और सी का मतलब क्या है, कनेक्टेड है। और मैंने आपको बताया सी का मतलब इज ऑलवेज रिप्रेजेंट द सोर्स एड्रेसेस, बट आपका फिजिकल इंटरफेस एक ही है, बट आपने क्या करा यहाँ पे 0.1234 सब इंटरफेस। अब मैं यहाँ पे आता हूँ INT CONF config t and INT S1/0 and IP address is 10.0.0.0 sorry 0.1/255.255.255.252 and no shut, clock RAT rate 64,000. Then router router EIGRP 100 network, और network मैं गाइस यहाँ पे कर रहा हूँ 0.0.0.0, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि इस router पे जितने भी network हैं सब allowed कर दिए हैं, and WR, यानी कि मैंने EIGRP routing इधर enable कर दिया। I'm coming for this port CLI enable CONF config t INT S1/0 IP address is 10.0.0.2/255.255.255.252 no shut, route router EIGRP 100 and network, और गाइस इस बार मैं 172.168.1.0 एंड नेटवर्क 10.0.0.0 ये ऐड करा दिया मैंने यहाँ पर, एंड INTF0/0 को भी मैं आईपी देना भूल गया था, तो आईपी एड्रेस 172.168.1.1/255.255.0 and no shut. तो फर्स्ट इतना पोर्ट तो क्रॉस केबल लगेगी मेरी, तो मैंने वायर गलत लगाई है जिससे मेरा लिंक अप नहीं हुआ है। एंड चेक कि यहाँ से यहाँ मेरा पैकेट जा रहा है क्या, या परफेक्टली मेरा पैकेट जा रहा है। यहाँ से यहाँ चेक करते हैं, परफेक्टली आपका पैकेट जा रहा है। तो क्लिक कि क्या मेरा यहाँ से यहाँ पैकेट जाता है, फेल्ड। तो गाइस देखिए मेरा HR डिपार्टमेंट मेरे आउटसाइड नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहा है, मेरा सेल्स डिपार्टमेंट भी मेरे आउटसाइड नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, एंड अभी मैं सारे एक बार सेशन बना देता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं अब HR से कम्युनिकेशन हो रहा है, सेल्स के साथ भी मेरा आउटसाइड कम्युनिकेशन कर रहा है राउटिंग के थ्रू, यहाँ तो 172 है ना, और यहाँ भी कम्युनिकेशन चल रहा है और यहाँ भी कम्युनिकेशन चल रहा है, चारों कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि गाइस मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग, यानी कि मैंने यहाँ पे 0.0 दे दिया था राउटिंग के अंदर।
अगर मैं अब यहाँ पे अगर आप देखना भी चाहते हो कि पर्टिकुलर इस सिस्टम पे आके आप यहाँ पे आके देखिए शो आईपी रूट, तो गाइस देखिए वो यहाँ पर आपको बता रहा है कि यहाँ पर आपका डी से हो रहा है और सारे के सारे रूट्स आपको डायरेक्टली मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे डिफॉल्ट राउटिंग एडवर्टाइज कराई हुई है 1.0 की, तो उसने समराइज करके यहाँ पे मेरे को रूट दे दिए 192.168.1.0/24, तो उसने एक समरी रूट दे दिया कि इस रूट के सारे नेटवर्क उसने कम्युनिकेट करा दिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ आर ओ यू टी ई आर राउटर ई आई जी आर पी 100 और नेटवर्क सी ओ एन एफ कॉन्फिग टी एंड आर ओ यू टी ई आर राउटर ई आई जी आर पी 100 और मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ नो एन ई टी डब्ल्यू ओ आर के नेटवर्क 0.0.0.0। अब मैंने ये नेटवर्किंग यहाँ से डाउन कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे नेटवर्किंग डाउन करी तो गाइस देखिए अब जो यहाँ पर ये आपको रूट दिखा रहा था ना अभी तक ये रूट, अब ये रूट नहीं दिखाएगा आपको, शो आईपी रूट। क्लियर गाइस? यहाँ पर 192 के रूट नहीं आ रहे अब। Is it clear? Yes, क्योंकि sir. मैंने राउटिंग हटा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं स्विच पे नहीं राउटर पे आता हूँ और अब मैं यहाँ पे देता हूँ लाइक एन ई टी डब्ल्यू ओ आर के नेटवर्क 10.0.0.0 एंड नेटवर्क 192.168.1.64। नेटवर्क की स्पेलिंग गलत है सर। और अब मैंने यहाँ पे कौन सा नेटवर्क एलोकेट कर दिया है 64। क्लियर? तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं शो आईपी रूट। तो देखिए यहाँ पर भी वो हमें एक समरी रूट दे रहा है। समरी रूट का मतलब है रूट समराइजेशन। वो कह रहा है कि आपको चार नेटवर्क है तो आपको चार नेटवर्क अलग अलग देने की जरूरत नहीं, आप एक समरी रूट दे सकते हो। यहाँ भी अभी सक्सेसफुल हो रहा है, यहाँ भी अभी तक सक्सेसफुल हो रहा है और यहाँ भी एक सक्सेसफुल, क्योंकि ये क्या कर रहा है यहाँ पे क्लास फुल राउटिंग को एडवर्टाइज कर रहा है ऑटोमेटिकली। बाय डिफॉल्ट जो EIGRP है ना वो क्लास फुल राउटिंग को एडवर्टाइज करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे शो आईपी रूट, तो यहाँ पर आपके सारे रूट्स आ रहे हैं, ठीक है ना? बट यहाँ पे क्या करता है क्लास फुल राउटिंग को एडवर्टाइज कर रहा है बाय डिफॉल्ट EIGRP। तो सी ओ एन एफ कॉन्फिग टी में गया आर ओ यू टी ई आर राउटर ई आई जी आर पी 100 एंड नो ऑटो समरी। अब मैंने यहाँ पे नो ऑटो समरी कमांड रिमूव कर दी। अब जैसे मैं यहाँ पे नो ऑटो समरी कमांड रिमूव करूंगा तो यहाँ पे देखिए कि रिस्टार्ट हो रही है मेरी। और अब देखिए अब रूट डिवाइड होके आ गए गाइस। अब क्लासलेस दिखा दिया या नहीं दिखा दिया उसने सारे रूट? तो जैसे मैंने यहाँ पर अपनी नो ऑटो समरी कराई, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रिप और EIGRP क्लास फुल राउटिंग को सपोर्ट करते हैं, इसलिए अगर आप नो ऑटो समरी कमांड नहीं चलाएंगे तो वो आपको क्लास फुल ही नेटवर्क एडवर्टाइज कराएगा। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे कमांड चलाई नो ऑटो समरी, तो नो ऑटो समरी कमांड मैंने जैसे चलाई उसने यहाँ पर मेरे सारे के सारे समरी रूट दिखा दिए और किस पर्टिकुलर आईपी के थ्रू आ रहे हैं। लेकिन ऊपर आप देखिए तो ऊपर वाले में सिर्फ वो आपका एक सिंगल रूट एडवर्टाइज कर रहा था /26 वाला तो दिख ही नहीं रहा, जबकि मैंने 1.0/24 का यूज करा है गाइस इंटायर नेटवर्क में। नो सर, कहीं भी इंटायर नेटवर्क के अंदर मैंने यूज करा ही नहीं है। बट अब मैंने यहाँ पे इसमें क्या कर दिया नो ऑटो समरी के थ्रू यहाँ पर सारे के सारे मेरे को राउटिंग एडवर्टाइज करके दे दिया। तो चलते हैं हम अपने इस पर्टिकुलर सिस्टम राउटर पे एंड यहाँ पर आते हैं
पता लगा नोट और समरी कमांड का बेनिफिट क्या है गाइस? कपिल रुजवाला और नोट और समरी कमांड का बेनिफिट है गाइस कि आप अपने क्लास लेस राउटिंग के बिहेवियर को देख सकते हो और शो रन करके आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वो सारे सब इंटरफेसेस दिखेंगे जो आपने आईपीज यहाँ पर एलोकेट करे हैं। ये पर्टिकुलर वीलेन के लिए आप राउटिंग करना चाहते हैं आप एक्सेस लिस्ट लगा के फिल्टर करेंगे तो अगर आप पर्टिकुलर वीलेन के लिए राउटिंग करना चाहते हैं तो आप देखिए कॉन्फिग टी में आने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा R-O-U-T-E-R router EIGRP 100 और no network 192.168.1.0 और यहाँ पे मैंने दे दिया no hyphen auto summary और उसके बाद network 192.168.1.192 then end then WR, then show run. So यहां पर ये आपके ना क्लास फुल को ले रहा है बार बार तो यहां पर ये आपका रूट समराइजेशन कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो रूट समराइजेशन कर रहा है तो एक मिनट में यहाँ पे एक और कमांड चलाता हूँ देखता हूँ चल जाती है तो CONF config T R O U T E R router EIGRP 100 and no ROUE root ROUTE root तो गाइस एक्चुअली क्या है ना यहाँ पर आपका एक मिनट में अभी आपको बता रहा हूं चेक कर लेता हूं पहले आपका आउटपुट आ भी रहा है नहीं आ रहा है या तो ये हो गया है यहां पर एंड चलते हैं आउटपुट गाइस देखिए मैंने यहां पर अब क्या करा कि मैं अगर पर्टिकुलर वीलेन को अलाउ करना चाहता हूं तो मैंने क्या करना है आपको कि आपको EIGRP में उस VLAN का सबनेट मास्क भी मेंशन करना पड़ेगा व्हाट इज माय पॉइंट गाइस उस पर्टिकुलर VLAN का क्या करना पड़ेगा नेटवर्क और प्लस उसका सबनेट तो वो ऑटोमेटिकली वाइल्ड कार्ड में कन्वर्ट कर देगा आप सबनेट डालोगे ऑटोमेटिकली वाइल्ड कार्ड में आप पर्टिकुलर सिर्फ यही नेटवर्क मैंने अलाउ करा है पर्टिकुलर VLAN गॉट इट कपिल यहां पर देखिए अगर आप ऊपर जाके देखते हैं तो मैंने यहाँ पे जब राउटर या ये पे करा तो ये मैंने पर्टिकुलर सबनेट यानी कि वीलेन नंबर 5 का ये मेरा नेटवर्क आईपी है और उसका सबनेट क्या था 26 तो 25/25 यानी कि नेटवर्क और उसका सबनेट मास्क आपने ऐड ऑन कर दिया तो सिर्फ वीलेन नंबर 5 ही आपका अलाउ हुआ है अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो सारे नेटवर्क को यहाँ पे अलाउ कर रहा है तो शो आईपी रूट करके देखता हूँ तो आप देखिए सिर्फ आपके पास एक ही नेटवर्क आ रहा है और एक ही नेटवर्क आ रहा है तो आप देखिए यहाँ पर ये जो कम्युनिकेशन पहले हो रहा था सभी के साथ आप देखिए लास्ट वाले नेटवर्क के साथ तो सक्सेसफुल पैकेट जा रहा है बट बाकी अदर के साथ कोई भी आपका पैकेट नहीं जाएगा हो गए फिल्टर रूट्स यानी कि अब आप पर्टिकुलर वीलेन के साथ ही कम्युनिकेशन कर पा रहे हो सारे वीलेन के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है यानी कि अब मैं किस वाले वीलेन के साथ मार्केटिंग वाले के साथ ही कम्युनिकेट कर रहा हूँ बाकी मेरी सिक्योरिटी बाउंड्री हो गई कि इन नेटवर्क पे मेरा आईपी जाएगा नहीं ट्रैफिक जाएगा नहीं गॉट इट द पॉइंट कपिल यही पूछ रहे थे ना क्लियर है एवरीवन अभिषेक अंशुमन आयुष तन्वीर आलम सौरभ सुबी
प्रेरणा गाइस अगर आप नहीं करोगे ना तो बाउंस जाना है तो पता लग ही रहा होगा, तो डोंट वरी, ये लेक्चर मैं अभी अपलोड कर दूंगा चैनल पे, आप वहां से देख सकते हो आधा एक घंटे बाद ही। तो मुझे आप पहले ये बताइए इतना क्लियर है या मैं आगे और स्टार्ट करूं अभी, क्योंकि अभी एक घंटा ही हुआ है, नॉन स्टॉप मैंने क्लास दी है। आप कहते हो सर इतना इनफ है तो इतना ही है, अदरवाइज आप कहते हो नहीं सर कंटिन्यू आगे करिए तो मैं आगे स्टार्ट कर। वोटिंग लाइन सबके लिए है यार, एक दो स्टूडेंट से नहीं होगा। नहीं किसी भी सिस्टम पे नहीं डाला। उर्जू आलम मैंने नहीं डाला। हाँ यही डाला है क्योंकि जो सबनेट मैं राउटर पे यूज करूंगा वही सबनेट मेरे को लेना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने सबनेटिंग करी है ना इस पूरे इंटायर नेटवर्क के अंदर मैंने सबनेटिंग करी है। हाँ जो राउटर के साथ कनेक्ट है 172 वाला लास्ट वाले सिस्टम पे आप कहाँ पे कर रहे हो? नहीं इस पर है क्योंकि यहाँ स्लैश 24 इसलिए लिया है क्योंकि मैंने राउटर पे भी स्लैश 24 ही यूज करा है, इसलिए बहुत आर द सेम सबनेट। या गाइस किसी अदर क्वेश्चन पहले गाइस एवरीवन ओनली एक स्टूडेंट कह रहा है काफी है और कंटिन्यू व्हाट अबाउट अदर तू भी विराज गौरव प्रेरणा तनवीर प्लीज रिप्लाई गाइस कंटिन्यू या इतना काफी है? इतना काफी है चले गाइस। तो ये लैब में अभी अपलोड कर दूंगा हाफ एन आवर में एंड आप लोग वहां से देख लेना और